सेंचुरी को राउंड कर लो, मिला? बोलेगा भारत में बिजली उत्पादन और आपका एनर्जी और पावर जो है वो बनना किस सदी या किस एडी से शुरू हुआ है? किसे? 19, क्लियर है? और हमारे पास 19 का एक और खासियत था, भी क्या था? CO2 लगातार इंक्रीज कर रहा है, 19 में दो काम आ गया हमारे पास। ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे ना हम लोग कि 19 देखते हैं हमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद आ जाए तो बड़ा आसान है। चलिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, राउंड करो, सफेद कोयले के नाम से कौन किसे आप बोलते हो? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत को, क्यों? क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं देता, समझ गए? तो इससे कोई प्रदूषक नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं व्हाइट कोल। एनएचपीसी को राउंड करो, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को राउंड करो, इट वॉज द लार्जेस्ट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन। बोलेगा पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा जो है पावर प्रोडक्शन वाला कौन सा है? NHPC, ठीक है। पावर कॉर्पोरेशन बेस्ड है कोल एंड गैस पर, राउंड करो, या कोयले और गैसों पर आधारित है। NTPC को राउंड करो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 को राउंड करके इंपॉर्टेंट में डालिए, 1975 में बना। लार्जेस्ट कंपनी ऑफ पावर जनरेशन, सबसे बड़ी कंपनी है पावर जनरेशन की, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? NTPC। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर की बात कर देगा तो NHPC, ठीक है। NTPC इज द पार्ट ऑफ 9 James कंपनी, हम लोग नवरत्नों की कंपनी पढ़ते हैं ना, ठीक है, 9 James वगैरह, तो कहते हैं NTPC को हमने 9 James में रखा है, और वो भी 9 James में हमने इसे ए ग्रुप में रखा है। कौन से ग्रुप में? ए ग्रुप। ABC तीन ग्रुप होता है 9 James में नवरत्नों की कंपनी की, क्लियर? 9 जो है सब लोग हमेशा कहते हैं जब कोई बहुत लार्जेस्ट और बहुत अच्छा प्रोडक्शन वाला हो, क्लियर? उसके ए ग्रुप में हमने रखा है NTPC को, मिला?